तो ये हूँ मैं जो कि एक नूब है, क्योंकि मुझे टोटम यूज करना बहुत ज्यादा पसंद है, बट अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैंने अगर यहाँ पे एक गलती करी तो मेरा पूरा वर्ल्ड चला जाएगा क्योंकि एक हार्डकोर वर्ल्ड है। तो इसलिए मैं ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पे अपने आपको मोस्ट पावरफुल बनाने का, और इसके लिए मैंने एक पूरी एक लिस्ट बनाई है जिसमें कुछ गोल्स है जिसे कम्प्लीट करते मैं इमॉर्टल बन जाऊंगा, और इसके बाद मैं अपने आर्मर पे वन ऑफ द रेयरेस्ट आर्मर ट्रिम लगाने वाला हूँ, और इसके साथ कुछ चैलेंज भी हम कम्प्लीट करेंगे। और आपको क्या करना है पूरी वीडियो देखने के बाद बताना है मुझे, क्या मैं इस मिशन में सक्सेसफुल रहा या फिर मुझे और क्या करना चाहिए पावरफुल बनने के लिए। तो एक हार्डकोर वर्ल्ड है, मेरे को यहाँ पे सबसे पहले टोटम चाहिए क्योंकि बिना टोटम के मैं कभी भी मर सकता हूँ। और मैंने यहाँ पे पिछले एपिसोड में प्लेजर टावर देखा था, तो ये रहा अपना प्लेजर आउटपोस्ट और ये रहा अपना विलेज, बिल्कुल सामने था, मैंने पिछले एपिसोड में देखा ही नहीं, बट मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया था तो मुझे ये दिखाई दे गया है। मैं चलते और यहाँ पे एक रेड करवाते हैं, मेरे को कैप्टन प्लेजर चाहिए। तो बेकार ही है, खाली एरोज मिल गए थोड़े, और ये क्या है? ये मस्त है। अरे मर जा यार, अब अपने को बैडो मिल चुका है और इसने बहुत टाइम लगा दिया सच में। जा भाई जी ले अपनी जिंदगी। अरे इन गोलम मार मार उसे, जा जा खुश छू पार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई, यही होता है गुलामी करवाओगे। आई डोंट थिंक ये इतना हार्ड होना चाहिए, अब बस मुझे इन्हें मारना है और ये आयरन गोलम के पास जा रहे हैं, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हो रहा है, तो सही है। टीम काम तो ये गाइस हमारा टोटम आ चुका है, दिखने में बहुत मस्त लग रहा है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही लग रहा है। बाकी हमारे टोटम सारे चल चुके हैं, इसको क्या तो हम दोबारा रेड करवा सकते हैं, और अब की बार मैं यहाँ पे रेड नहीं करवाऊंगा। कैन आई राइड यू? मान जा। नहीं मान, ना मान रहा, ना मान रहा, ना मान रहा, ना मान रहा, अब मान रहा। इसके बाद मैं यहाँ पे रेड करवाने चला गया और मेरे को बहुत दिक्कत हुई, लिटरली बहुत ज्यादा हार्ड था ये रेड, बट उसके बाद मैंने फाइनली इसे यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था और मुझे बहुत सारे टोटम मिल चुके थे। अभी अपने पास टोटल 5 टोटम हो चुका है, आई थिंक ये इनफ होने चाहिए। तो रेड तो मैं यहाँ पे जीत चुका, मेरे को एक नेदरराइट आर्मर चाहिए जो कि मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस जर्नी में, जो कि मुझे मोस्ट पावरफुल बना देगा। तो नाउ मैं नेदर में तो आ चुका, मेरे को एक ऐसी जगह ढूंढने जहाँ पे माइन करना आसान हो, क्योंकि मेरे को बहुत सारे नेदरराइट चाहिए। ये तो यहाँ पे बहुत सारा लावा है, यहाँ पे तो माइन में बिल्कुल नहीं कर सकता भाई, यहाँ तो चारों तरफ लावा ही लावा दिखाई दे रहा है। लावा लावा लावा, हर तरफ लावा ही लावा, यहाँ पे मैं 3 जगह माइन कर चुका हूँ, यहाँ पे हर तरफ देख सकते हैं लावा ही लावा है। पता नहीं यार, बैक साइड भी लावा, हर तरफ लावा ही लावा है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, जिधर भी जा रहा हूँ उधर ही लावा मिल रहा है। ये देखो इधर भी लावा, वाह भाई माफ कर दो मुझे, मैं यहाँ आया, अब यहाँ पे इतना लावा तो देख नहीं रहा, तो जस्ट माइन और देखते हैं हमें कितने इंस्टेंट रुपीज मिलते हैं। और ये बोलने की दे रही थी और यहाँ पे फिर से लावा, और मुझे सच में नहीं पता था कि मैं लावा ऑप्शन के नीचे माइन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता था और फाइनली मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो नेदरराइट माइनिंग तो अपनी बेकार गई, पर यहाँ पे मैं फोर्ट्रेस मिला है, तो आई थिंक इसे रेड करना सही रहेगा। मेरे को यहाँ पे वो भी मिल जाएगी जिससे पोशन बनाते हैं, आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, बट वो मटेरियल काम आ सकते हैं। ओ भाई ये इजी था, मुझे पता ही नहीं था कि ये इतने इजी होते इन्हें मारना यहाँ पे। ये रही चेस्ट, ओह डायमंड चेस्ट में तो कुछ खास था नहीं, बट यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे गया जिससे पोषण आते हैं। हाँ ये रहा, तो ये हमारे ये काम आने वाले मेनली, मैं इसी के लिए आया था यहाँ पे, इससे मैं कम से कम पोषण बना सकता हूँ, तो मुझे ऐसे लावा में जलने की जरूरत नहीं होगी। चेस्ट कलेक्ट, दीस और सोल सैंड भी कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ओ एक और चेस्ट, डायमंड, ओ माय 3 डायमंड मिले मुझे इसमें, एक ब्लेज स्पॉनर नहीं मिला एक। ओ भाई एक गलती और मैं सीधा नीचे, ये ब्लेज स्पॉनर है, यस 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 ब्लेज स्पॉनर है, थोड़ा इनको भी कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये ब्लेज हमारे बाद में काम आ सकते हैं, इसलिए मैं ये कलेक्ट करने वाला हूँ। तो आई थिंक इतने ब्लेज काफी होंगे, वैसे मेरे को इतने की जरूरत थी भी नहीं, मुझे बाहर जाना है यहाँ से। क्या मुझे हेड मिल सकता है? अबे भाई किसी ने भी हेड नहीं कराया, बस पोषण तो बन चुका है, बट मेरे को अभी यहाँ पे एक गन पाउडर चाहिए क्योंकि मेरे को बनाने हैं TNTs, बिना TNT के मैं माइन नहीं करना चाहता, और पिछले बार जब मैं यहाँ पे माइन करने गया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, जो कि बहुत ज्यादा बेकार था, तो इसलिए मैं यहाँ पे TNT यूज करने वाला हूँ जिसमें मेरे को गन पाउडर और सैंड लगने वाले हैं। गन पाउडर का मैं फार्म बनाऊंगा और सैंड तो मैं नॉर्मली कलेक्ट कर सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्रीपर फार्म बनाने वाला हूँ, मेरे को यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स चाहिए और उसके लिए मेरे को पहले अपने टूल्स को रिपेयर करना होगा। चलते हैं अब यहाँ पे, मेरे को बहुत सारे स्टोन चाहिए पहले, तो स्टोन लेने चलते हैं, और ये मेरा पुराना वाला विलेज जो मैं पहली बार यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे मैं माइन करने वाला हूँ। तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ चुकी है कि मेरी इन्वेंटरी बार बार फुल हो जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है, सो आई थिंक मेरे को इसका कुछ करना होगा। तो मैंने ये फार्म बनाया है जिससे मेरे को अनलिमिटेड यहाँ पे स्टोन मिलने वाला है, तो बस मेरे को यहाँ पे AFK करना है और जितने भी स्टोन है सब कलेक्ट कर लेने हैं और बाकी रिसोर्स भी कलेक्ट करना है, बट अभी फिलहाल ये कर लेते हैं। आई थिंक अपने पास बहुत सारा स्टोन हो चुका है, इतना मेरे लिए काफी होगा, इतनी भी चेस्ट लगभग इतनी तो भर चुकी है, मेरे को बाकी रिसोर्स भी कलेक्ट करना है। मैं सैंड यहाँ से कलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैंने अभी कोई डेजर्ट बायोम ढूंढा नहीं है। यहाँ पे मैंने सारा सामान यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है और बहुत सारे ट्रैपडोर भी कलेक्ट कर लिया और स्टोन भी अपना कलेक्ट हो गया है, बट
यहाँ पे मेरे को एक और चीज चाहिए जो कि है डिस्पेंसर। डिस्पेंसर कलेक्ट करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला क्योंकि उसके लिए मेरे को लगने वाले यहाँ पे बोस, तो मुझे बहुत सारे बोस चाहिए और एक ही तरीका यहाँ पे बोस कलेक्ट करने का। यहाँ पे मेरे पास सारा सामान कलेक्ट हो गया, मेरे को स्पाइडर मारना पड़ता था कि मैं बो बना सकूं, बट फाइनली हमारे पास डिस्पेंसर भी आ चुके हैं और ड्रॉपर्स भी आ चुके हैं जिनके हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो आई थिंक टाइम आ चुका है अपना फार्म बनाने का और मेरी हालत देख सकते हैं। या पीछे भी तीर लगा एक्चुअली। तो अपना फार्म लगभग बन गया, वैसे मेरे को ट्रैप डोर लगाने हैं और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना और ये फार्म वाकई बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है और मुझे वाकई बहुत ज़्यादा इलाइट्रा की जरूरत है। बार बार मैं नीचे गिर जा रहा हूँ और मुझे बार बार ब्रिजिंग करके ऊपर आना पड़ा। तो आई थिंक इसके बाद हम इलाइट्रा लेने जाएंगे। फिलहाल के लिए भी मैं ये कंप्लीट करता हूँ। तो अपने क्रीपर फार्म लगभग बनकर तैयार हो चुका है और दिखने में भी ये काफी अच्छा लग रहा है और अभी से इसमें बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा है। लिटरली एक नॉर्मल सा क्रीपर फार्म है ये। और अगर मुझे आप जानते हो तो मेरी वीडियो में यहाँ पे कुछ भी सिंपल नहीं होता है, तो क्यों ना इसे थोड़ा अपग्रेड किया जाए। तो 3, 2, 1। तो अपना क्रीपर फार्म कंप्लीट हो चुका है और इसमें मैं नहीं कहूंगा कि मेरे यहाँ पे 2 से 3 दिन इसमें लग चुके हैं। मैंने यहाँ पे 4 यहाँ पे बना रखे हैं फार्म और अभी भी क्रीपर आ रहे हैं, देख सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा मिसिंग होने वाले, तो सीधा चलते हैं। बहुत ज्यादा स्लो है ये। तो यहाँ पे मैं सीधा ऊपर जाने वाला हूँ और यहाँ पे एफके करने वाले हैं। और मेरी स्केयर फोल्डिंग ने बहुत ज्यादा हेल्प किया लिटरली। इसके बिना, अगर इलाइटर के बिना तो वीडियो वैसे बिल्ड करना मुश्किल होता है, बट इसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। बिना इसके तो मैं लग रहा है कि मैं बिल्ड कर ही नहीं पाता। और मेरी किस्मत भी अच्छी है, बिल्कुल पास में यहाँ पे एक जंगल बायोम भी था। जो आप जंगल बायोम देख रहे हैं उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। मुझे पता नहीं था कि मेरे आसपास से सारे बायोम है। वहाँ पे एक स्वाम बायोम है, ये एक जंगल बायोम है, ये अपना ये बर्च वुड का बायोम है और ये कौन सा है, ये डार्क वुड का बायोम। मेरे पास सारे बायोम एक साथ ही यहाँ पे मिल गए मेरे को। तो ये काफी ज्यादा इंसेंट था। अब मैं यहाँ पे एफके करने वाला हूँ और गन पाउडर यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, देखते हैं कितना गन पाउडर यहाँ पे मिल पाता है। अब देखते हैं कितने यहाँ पे गन पाउडर हमें मिल चुके हैं। तो हियर वी गो, इतने सारे गन पाउडर हो चुके हैं। आई थिंक इतना मिलेगा, इनफ होगा TNT के लिए। और यहाँ पे अपने यहाँ पे भी गन पाउडर है। आई थिंक गन पाउडर तो हमारे पास इनफ हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पे थोड़े से सैंड चाहिए, तो सैंड कलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे सैंड दिख भी रहे हैं, तो इन सबको मैं कलेक्ट कर लूंगा। मुझे नहीं पता इसमें कितना टाइम लगने वाला है, सो यहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ। उसके साथ मैं TNT लाया हूँ, तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए वैसे। और यहाँ पे मेरे को पहला अपना एंसेंट डिब्रिज मिल चुका है और अभी तक मैंने लगभग यहाँ पे 2 से 3 स्टैक ब्लॉक्स यहाँ पे माइन किया है। तो आई थिंक अपनी किस्मत अच्छी चल रही है। तो अब टाइम आ चुका है TNT प्लेस करने का, और TNT प्लेस करते हैं और यहाँ पे लावा ना हो बस खाली, मेरे को लावा से यहाँ पे डर लग रहा है। तो लेट्स सी ये कैसे जाता है ये। इसके साथ ही ये मेरा खाली PC ना उड़ जाए। और भाई अभी से यहाँ पे मेरे को बहुत सारे एंसेंट डिब्रिज दिखाई दे रहे हैं और लावा भी दिखाई दे रहा है एक्चुअली। तो ये अपना फर्स्ट एंसेंट डिब्रिज, उसके साथ सेकंड वाला भी धड़ी है और साइड में भी मेरे को कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तक तो अपनी किस्मत अच्छी चल रही है, अपनी स्टार्टिंग अच्छी हुई है। तो ये रहा फोर्थ और ये नहीं थर्ड है, तो ये फोर्थ ये रहा। तो ऐसे मैं जल्दी से यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ जितने मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये बोतल फेंक दी थी मैंने गलती से, अपने पिकैक्स फेंक दी यार। मेरे पास यहाँ पे 42 इंसेंट डिब्रिज कलेक्ट हो चुका है और बहुत टाइम लग गया। अब मैं यहाँ से सीधा निकलने वाला हूँ। यहाँ पे मैं नेदरराइट इंगट कलेक्ट कर लेता हूँ कितने मेरे पास होते हैं। तो मेरे पास 10 नेदरराइट इंगट हो चुका है। आई थिंक इतने इनफ होने चाहिए, मतलब भूल गया था मुझे स्मिथिंग टेम्पलेट भी चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे एक बैस्टियन मिल चुका है और मैं अपने ब्लॉक कलेक्ट कर रहा था, मेरे पास ब्लॉक्स खत्म हो गए थे। बट अब मेरे को इसे रेट करना है और उसके साथ ही मेरे को ट्राई करना है कि मैं यहाँ पे मरूंगा, मेरे को स्पेशली बच के रहना होगा, ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो भाई एडवांसमेंट भी मेरे को मिल चुकी है। इतने चेस्ट में क्या है, पहली चेस्ट में मेरे को मिल चुका है, मतलब ओ भाई अब सही है। मतलब मेरे को बस इसे यहाँ पे इसे डुप्लीकेट करना है, वो तो मैं कर लूंगा। मतलब मेरे को ज्यादा रिस्क लेने की अब जरूरत नहीं है यहाँ पे। और उसके साथ ही और कुछ तो खास है आ ही गया, वो तो थोड़ा और देखता हूँ ट्राई करने की कुछ और अच्छा मिल जाए। आर्मर ट्रिप मिल चुका है मुझे, एक मजा आ गया। और इसके साथ ये म्यूजिक डिस्क भी मिली है मुझे, आई डोंट नो ये रेयर होती है नहीं होती है, बट एरोज भी मिल चुके हैं। रोज वो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ और स्पेशल लगता है। मर जा अभी मैं डर गया था अचानक से, ये पिकली यहाँ पे आ गया था। ओ अच्छा अच्छा, बदमाशी करनी है तेने, बदमाशी करेगा, आ जा ये इधर। भाई ये एक नंबर का डम है भाई, सच में कितना डम है भाई तू।
वो यू किसी को अटैक करने जा रहा है एक्चुअली। ओ आजा 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 जा। अबे मारा कैसे तूने, तूने मारा कैसे, तेरी इतनी ऐसे हिम्मत हो गई, कोई है तो नहीं तेरे आसपास। चल यहाँ से, चल यहाँ से। तो मेरे को बहुत सारे डायमंड की जरूरत पड़ने वाली है ताकि मैं नेट में अपग्रेड कर सकूँ, क्योंकि स्मिथिंग टेबल को यहाँ पे डुप्लीकेट करने के लिए मेरे को डायमंड चाहिए। तो यहाँ पे मैं सारे डायमंड कलेक्ट करके आ चुका हूँ और उसके साथ ही मेरे स्मिथिंग टेम्पलेट भी आ चुका है, तो आई थिंक इसे हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ऐसे मेरे को यहाँ पे 8 बनाना है ताकि मैं अपने आर्मर और टूल्स दोनों को अपग्रेड कर सकूँ। आई थिंक मैंने थोड़ा ज्यादा ही बना लिए, तो अपने आर्मर यहाँ पे डालते हैं। यस, तो हम अपने आर्मर को यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे नेदरराइट का आर्मर आ चुका है, बाकी भी यहाँ पे अपग्रेड कर लेते हैं। और इसी के साथ मेरे को यहाँ पे अचीवमेंट भी मिल चुकी है जो कि कवर्ड मीन डेब्रीज है। मेरे पास नेदरराइट का आर्मर पूरा बन चुका है, बाकी बहुत ज्यादा मसला है। तो अपने टूल्स को भी यहाँ पे मैं अपग्रेड कर लेता हूँ। पूरा नेदरराइट का सेट यहाँ पे तैयार हो चुका है, उसके साथ आर्मर और टूल दोनों यहाँ पे हमारे नेदरराइट के हो चुके हैं। अब मैं इतना पावरफुल बन चुका था, बट अभी मेरे पास इलाइट्रा नहीं था और मेरे को इलाइट्रा चाहिए, और इसके लिए मेरे को पहले एंड सिटी लूटी होगी। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी तक मैंने ड्रैगन को नहीं मारा, सो आई थिंक अब टाइम आ चुका है ड्रैगन को मारने का। तो यहाँ पे मैं पूरी तरह से तैयार हूं और मैंने यहाँ पे कुछ अंडर आइस भी बना लिया है, और एक्चुअली मैं यहाँ पे पहुंचने भी वाला हूँ। आई थिंक हम पहुंच भी गए, तो यार मेरे को सीधा नीचे डिग डाउन करना है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है, बट आई कैन डू नाउ, आई एम नाउ इनविंसिबल। इतना टाइम लगा इसे ढूंढने में, ये मिल ही नहीं रहा था एक्चुअली। और ये स्ट्रॉन्गहोल्ड कैसा है, टूटा फूटा था। हाँ ये रिचार्ज, और इसमें मेरे को एक और आर्मर ट्रिम मिल चुका है, और ये कौन सा है, आई आर्मर ट्रिम बेसिक है, मैंने सोचा नहीं था मुझे ये यहाँ पे मिल जाएगा। ओ ये रहा फाइनली एक और आई आर्मर ट्रिम मिली है मुझे, आर यू किडिंग मी। मेरे पास एक एंड्राइक कम पड़ गई यार, लाली से फील करते हैं। ज्यादा बेकार मेरी किस्मत हो नहीं सकती सच में, लिटरली इसके लिए मैं इतनी दूर तक आया और मेरे पास एक एंड्राइक कम पड़ गई। तो बस एक एंड्राइक के लिए मेरे को वापस घर तक जाना पड़ा और वापस मुझे आना पड़ा। इतना टाइम लगता नहीं किया था वैसे, मैं एक एक्स्ट्रा ही लेकर आया था। तो नाउ इस टाइम ड्रैगन वहाँ पे है, और मैं इतने समय से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, इतना ज्यादा ये कठिन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं टावर फूटने वाला हूँ, तो अपने लास्ट वाला एंटर क्रिस्टल भी फूट चुका है, तो अब सिर्फ मुझे ड्रैगन को मारना है। खत्म खत्म, यस। तो नाउ आई किल द ड्रैगन, तो कलेक्ट एक्सपी कलेक्ट कर लेते हैं, कितने एक्सपी हो गए। तो मेरे यहाँ पे 75 एक्सपी हो चुके हैं, तो अब सीधा यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लैडर लेके आते हैं। सो या अब मुझे एंड सिटी यहाँ पे फाइंड करना है। आसपास तो मुझे कोई एंड सिटी दिख नहीं रही, वहाँ पे एक और गेटवे है। तो ब्रिजिंग करते और चलते हैं यहाँ पे एंड सिटी ढूंढने, मेरे को इससे मेरे को लाइटर मिलने वाला है, तो इसमें टाइम लग सकता है। यस फाइनल मुझे एंड सिटी एक मिली है, बट यहाँ पे एक एंड सिप नहीं है, मतलब मुझे यहाँ पे लाइटर नहीं मिलने वाला। एक छोटी एंड सिटी है ये, बट यहाँ पे सर्कल बॉक्स मुझे कम से कम मिल ही जाएंगे। ये थे इन्हें मारते हैं। अबे यार ये क्या है, गिरा है क्या सर, इसने कुछ नहीं गिरा। कहाँ चला गया ये, क्या मैं मर सकता हूँ यहाँ पे। आई थिंक मुझे थोड़ा संभलना चाहिए। वोरी वोरी, एक वहां पे भी एक एंड सिटी है, वहां पे सिर्फ वाली एंड सिटी है, तो इससे पहले लूटते हैं और वहां से इधर चलते हैं। ओ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना। ओ माय गॉड भाई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एक ब्लॉक से मैं बचाऊ लिटरली, मैं चाहिए ये खा लू क्या भाई, मैं यहीं स्पॉन हो रहा हूँ, मुझे मेरे ब्लॉक्स भी खत्म होने को आ गए। आई थिंक मैं कर सकता हूँ, नाइस। यहाँ पे तो ओ भाई एक्चुअली इट्स वर्क, तो अगर ये वर्क कर गया तो सही है, मर जा भाई। तो फाइनली अपना लाइटर यहाँ पे आ चुका है, और इसके साथ ही अब हमें कोई नहीं रोक सकता भाई, इसके लिए इतनी मेहनत की है ना, अब आई थिंक अब यहाँ पे हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसमें अच्छे खासे सामान भी है, तो ये भी ले चलते हैं, नाइस। इसमें क्या है, ड्रैगन हेड भी कलेक्ट कर लेते हैं। अब मेरे पास लाइटर है, तो मैं दूसरा लाइटर ढूंढने जाने वाला हूँ, और पास में मुझे मिल गया तो सही है, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। भाई मेरे को सारी एंड सिटी इतनी छोटी छोटी सी क्यों मिल रही है, ये कोई एंड सिटी है क्या है ये। स्पेयर आर्मर ट्रिम, एक और ट्रिम मुझे मिल चुकी है, टोटल मेरे पास 3 ट्रिम मिल चुकी है ऑलरेडी मेरे को। अपने पास इलाइटर भी आ चुका है, उसके साथ ही मैंने सारे आर्मर भी यहाँ पे अपग्रेड कर लिया है, और मेरे को यहाँ पे एंड सिटी से मेरे को इतनी सारी लूट मिली है। मैं एक और इलाइटर ढूंढ रहा था, बट मेरे को इतना मिला नहीं, तो मैं वापस आ गया। कल इतनी सारी लूट मेरे को मिली है, जो कि काफी अच्छी है, और ये मेरे पास 3 ये चीज पहले ही हो चुकी है, क्योंकि आर्मर ट्रिम है, और मेरे पास 3 आर्मर ट्रिम पहले ही हो चुके हैं, और अब मेरे को अपने आर्मर पे आर्मर ट्रिम लगाना है। तो अभी मैनगट में टोटल 16 आर्मर ट्रिम्स है, और इनमें सबसे ज्यादा रेयर है साइलेंस आर्मर ट्रिम, जिसको पाने के लिए मुझे वार्डन से लड़ना होगा, क्योंकि ये मिलता है इंसेंस सिटी में, और मैं इसी को यहाँ पे पाने की कोशिश करने वाला हूँ। और उसके लिए
मुझे यहाँ पे इंसेंस सिटी में जाना होगा, क्योंकि अगर मेरे पास लाइट रहा है तो मेरे को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधा भाग सकता है यहाँ से। तो ये मेरा पहला चेस्ट है, तो चेक करते समय क्या है, और मेरी प्लानिंग है कि जैसे ही चेक करो और सीधा यहाँ से निकलो, क्योंकि यहाँ पे तुरंत यहाँ पे वार्डन स्पॉन होने लगे हैं, तो आई थिंक मुझे निकल जाना चाहिए। दूसरा चेस्ट में भी यहाँ पे कुछ है नहीं, और ऐसे में सब मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ। तो ये अपना थर्ड वाला चेस्ट भी आ चुका है और इसमें भी कुछ खास है नहीं, इसके मिलने के चांस बहुत ज़्यादा कम है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ एक एंसेंट सिटी से मेरा काम हो जाएगा और वार्डन आ गया, निकलो यहाँ से। और ये अपना एक और चेस्ट आ चुका है, एक और एंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल गया है मुझे यहाँ पे, और नेम टैग भी रखे हैं। ये रहा एक वार्डन यहाँ पे, एक यहाँ पे हर तरफ वार्डन ही वार्डन दिखाई दे रहे हैं बस। और लगभग अभी यहाँ पे 5 से 6 वार्डन मेरे आसपास घूम रहे हैं, बट इसके बाद भी यहाँ पे मैं बहुत सारे चेस्ट लूटने लग गया और अभी तक मेरे को कुछ नहीं मिला था। बट फाइनली घंटों की मेहनत के बाद फाइनली यहाँ पे मेरे को स्मिथिंग टेम्पलेट मिल चुका है, और इसमें बहुत टाइम लगा, मैं यहाँ से निकलने वाला सीधा, और वार्डन बिल्कुल साफ नहीं, निकलो 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 भाई। अब मेरे को फाइनली मिल गया भाई, इतनी देर तक यहाँ पे ढूंढने के बाद फाइनली मुझे मिल चुका है। और लगभग यहाँ पे कितने सारे वार्डन मैंने स्पॉन कर दिए मुझे पता है। डायमंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बट हम और भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, गोल्ड भी बहुत सही लग रहा है, बट ये बहुत थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कलर मेरे को इतना पहचान में नहीं आ। ग्रीन भी अच्छा लग रहा है एक्चुअली, रेड भी बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। मुझे क्या करना चाहिए, आई डोंट नो, लेट्स डू दिस। बाकी को भी कर देते हैं। और मेरा फाइनल टास्क भी कंप्लीट हो चुका है और मैं अब इनविंसिबल बन चुका हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी इस वर्ल्ड में मरने वाला हूँ, सिर्फ स्टार्टिंग है अभी। ऐसे और भी खतरनाक प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ऐसे एक और खतरनाक वीडियो देखने तो स्क्रीन पर वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।